मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे पहले भी लगते थे और आगे भी लगेंगे। बीजेपी की आलोचना करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग बांटने का काम करते हैं, दंगा करवाने का काम करते हैं, लेकिन हमें इन्हें रोकना है, हमें तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ने का काम करना है। टिकैत ने कहा कि पहले भी अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे साथ साथ लगाए जाते थे और आगे भी लगेंगे। उन्होंने भीड़ से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा यूपी की जमीन को दंगा करवाने वाले को नहीं देंगे। राकेश टिकैत रविवार को मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान टिकैत ने यह भी कहा कि ये लड़ाई 3 काले कानूनों से शुरू हुई है। 28 जनवरी को आंदोलन का कत्ल होगा, हजारों की फोर्स थी, हम कम लोग थे लेकिन डटे रहे। टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं, हम किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाएंगे। हमें फसलों पर MSP की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक पूरे देश में किसान मोर्चा चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे। किसान महापंचायत के मंच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव लगाए गए, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या देश में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने की जरूरत है या राकेश टिकैत ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए बोला है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? हमें अपनी राय जरूर भेजें, कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं।